कोल्हान के 1300 बीएड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उनके सामने पढ़ाई छोड़ने का खतरा सताने लगा है। बुधवार को छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले बीएड के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वी जिला सिंहभूम के उपायुक्त से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से छात्रों ने बताया कि राज्य के दूसरे जिलों के छात्रों को नियमित छात्रवृत्ति मिल रही है, मगर कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्र विगत 2 सेमेस्टर से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से 3रे सेमेस्टर के नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। हालांकि छात्रों ने बताया कि DDC ने उन्हें 1 हफ्ते के भीतर छात्रवृत्ति दिलाने का भरोसा दिलाया है, मगर छात्रों ने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी गई तो कोल्हान के सभी 1300 छात्र उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले आज हम लोग DC कार्यालय के समक्ष DC महोदया से हम लोग बात करने आए थे कि आज तक 2 साल होने जा रही है हमारा BEd का नामांकन का, लेकिन अभी तक एक भी ईयर का हमारा छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया, जबकि झारखंड के विभिन्न जिले में अलग अलग जगह पर एक साथ 76,000 का, कुछ जगह पर पहला ईयर का अभी तक पेमेंट हो चुकी है। हमारा यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में 2 साल होने के बावजूद भी एक भी पेमेंट नहीं किया गया है, इसमें छात्रों का बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक हमारा कॉलेज में 2-2 बार नामांकन हो चुकी है, अब 3रा सेमेस्टर के नामांकन के लिए हमारा नोटिस भी आ चुकी है, कुछ ही दिन में हमको नामांकन लेना है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं होने के बावजूद हम नामांकन भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम लोग आज DC महोदया के पास आए थे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का जैसे भुगतान किया जाए और अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से हमें आगे बढ़ा सके। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।